दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। मारे व्रत की तुम आखी हाथ। जुलाई 1924 जब बहिष्कृत तारिणी सभा बनी थी, उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि हमारी समस्याएं विशाल हिमालय की तरह है, विशाल हिमालय की तरह है, हम जो है उससे टकराने जा रहे हैं और उस टकराने में उसका हमें चोट भी लगेगी, लेकिन समाज को मुझे यह बताना है कि मेरे टकराने से समस्याएं जो हिमालय रूपी है वो ढह सकती है, अगर नहीं ढह पाई तो यदि मैं रक्त रंजित हुआ तो उससे हमारे समाज को प्रेरणा मिलेगी, उनके अंदर स्वाभिमान जगेगा और जब उनका स्वाभिमान जगेगा तो वह उठ खड़े होंगे और अपने एक पैर के ठोकर से उस जो समस्याओं का जो हिमालय खड़ा है उसको चकनाचूर कर देंगे, ढहा देंगे। कितने लोगों ने समता आवाज टीवी पर नीले रथ की वीडियो देखी है? वो नीला रथ जो बुद्ध धर्म का प्रतीक है और पूरे दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश के जिले ही नहीं, देश के लगभग 10 राज्यों में घूमकर वो प्रचार प्रसार कर रहा है बुद्ध धर्म का। ऐसा ही एक धम्म रथ घूम रहा है सारनाथ में। सारनाथ में वो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही नहीं कर रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। सारनाथ में बुद्ध व अंबेडकर मिशन को गति देता यह नीला रथ तैयार किया है बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति ने, जिसको हम BBS3B कहते हैं। इस रथ के बारे में हमने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर से जब जानने की कोशिश की तो समता आवाज टीवी से खास बातचीत में उन्होंने इस रथ के बारे में बताया। पहले तो आपके समता आवाज टीवी चैनल और आदरणीय अंतानी साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें लगातार काम कर रहे हैं। धम्म रथ जो सारनाथ वाराणसी से जो समाज के लिए समर्पित है, जैसा कि पूरे दर्शकों को और साथियों को अंबेडकर मिशनरियों को पता है कि तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंतिम भाषण स्थली है और इस स्थली से बुद्ध के संदेश, अंबेडकर के संदेश पूरे देश में प्रचारित प्रसारित करने के लिए धम्म रथ का समर्पण किया गया है। यह धम्म रथ कई मायनों से बाबा साहब अंबेडकर के विचार से प्रभावित है। एक चीज बताना चाहेंगे कि 20 जुलाई 1924 का जब बाबा साहब अंबेडकर ने बहिष्कृत तारिणी सभा की स्थापना किया था, उस समय उसमें संबोधित करते हुए कहा था कि अपने समाज में बहुत बड़े हाल होना चाहिए जिस पर कि हम लोग विचार विमर्श कर सकें तथा छापखाना भी होना चाहिए, अर्थात प्रेस भी होना चाहिए। आज हमारे समाज को बहुजन आंदोलन जो बाबा साहब अंबेडकर बुद्ध के संदेश को प्रचारित प्रसारित करने के लिए अपनी नेशनल मीडिया कह लीजिए नहीं है या मुख्य मीडिया नहीं है, हमारी सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के साथ बाबा साहब अंबेडकर के संदेश को अपने मिशनरियों के और बहुजन समाज में पहुंचाने के लिए ये धम्म रथ बनाया गया है। उनके गांव तक जाएगा, उनके घर तक जाएगा, पंपलेट देगा, पोस्टर देगा, उस पर जो बाबा साहब के चित्र है, बाबा साहब अंबेडकर का जो स्लोगन है, उसके माध्यम से वो बाबा साहब अंबेडकर के संदेश को जान सकेंगे और अपने भूमिका को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर का जो हम लोग सब नारा भी देते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा, तो बाबा साहब अंबेडकर के मिशन जो अधूरा है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और बता दें, अभी जो
20 जुलाई 1924 जब बहिष्कृत कारणी सभा बनी थी उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि हमारी समस्याएं विशाल हिमालय की तरह है, विशाल हिमालय की तरह है, हम जो है उससे टकराने जा रहे हैं और उस टकराने में उसका हमें चोट भी लगेगी, लेकिन समाज को मुझे यह बताना है कि मेरे टकराने से समस्याएं जो हिमालय रूपी है वो ढह सकती है, अगर नहीं ढह पाई तो यदि मैं रक्त रंजित हुआ तो उससे हमारे समाज को प्रेरणा मिलेगी, उनके अंदर स्वाभिमान जगेगा और जब उनका स्वाभिमान जगेगा तो वह उठ खड़े होंगे और अपने एक पैर के ठोकर से उस जो समस्याओं का जो हिमालय खड़ा है उसको चकनाचूर कर देंगे, ढहा देंगे। इस उद्देश्य को बाबा साहब अम्बेडकर का जो उद्देश्य है कि सारी समस्याओं का हल निकले, उसके प्रचार प्रसार के लिए धम्म प्रचार, धम्म का जो रथ निकला है जिसको हम लोग धम्म प्रचार वाहन भी कह लीजिए, धम्म रथ कह लीजिए, ये सारनाथ वाराणसी से निकला है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी इच्छा थी 1938 से लेकर 1956 तक कि हमारा अपना वैचारिक सेंटर हो, हमारा केंद्रीय हाल हो, ताकि वो सामाजिक जो कार्य काम काज कर सके, सार्वजनिक काम कर सके, उसके आयोजन के लिए तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम भाषण स्थली सारनाथ वाराणसी में 14,000 स्क्वायर फीट रिंग रोड पर एकदम बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ से सारनाथ की परिधि में लिया गया है और उसी जमीन पर उन्हीं के सपने का बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने के लिए पूरे देश और विदेश से लोगों ने सहयोग प्रदान किया है। वहीं पर अम्बेडकर वैचारिकी महासम्मेलन दिनांक 27 नवंबर 28 नवंबर को होने जा रहा है और यह जो धम्म प्रचार वाहन है, जो धम्म रथ है, उसके माध्यम से भी लोगों के अंदर जन जागरण का कार्य चल रहा है और वो केवल सारनाथ में नहीं चलेगा और वाराणसी में नहीं चलेगा बल्कि पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करेगा और उस भ्रमण के माध्यम से हम पूरे देशवासियों से, बहुजन चिंतकों से अनुरोध करेंगे कि 27 नवंबर को जो सारनाथ वाराणसी में बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल रिंग रोड फरीदपुर वाराणसी में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, कृपया अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपनों को पूर्ण करें। और हम ये भी चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए हर संगठन की जरूरत है, वो जो हम लोग अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के माध्यम से, ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के माध्यम से तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन सभी संगठनों का स्वागत है, सभी संगठन आएंगे, हम लोग मिलजुल करके बाबा साहब अम्बेडकर का सपने का वैचारिक सेंटर बनाएं और अम्बेडकर वैचारिक महासम्मेलन में प्रतिभाग करें। इसलिए मैं 27 नवंबर 2022 को, 28 नवंबर 2022 को और भ्रमण के लिए 29 नवंबर 2022 को आमंत्रित करता हूं और सारनाथ की पवन पावन भूमि पर आवें, वैचारिक सेंटर में आवें, अपने विचार को दें जिससे कि समाज को लाभ मिले और धम्मरथ उसी में काम करेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का प्रचार प्रसार में लगा है, उससे लोग लाभान्वित होंगे, उससे लोग शिक्षित होंगे, उससे लोग आंदोलित होंगे, उससे लोग संगठित होंगे और अपने आप पर विश्वास करेंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आंदोलन को चलाएंगे। इसलिए धम्मरथ सारनाथ वाराणसी से समाज के लिए समर्पित है। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं बनारस के सारनाथ में पहुंचा हूं, ये बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अंतिम उपदेश स्थली है। आज मैं पहुंचा हूं एक बड़ी खबर के लिए और मैं बिल्कुल खड़ा हूं बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर पेइंग गेस्ट हाउस पर। इस हाउस के मैंने पहले भी कई बार आपको फोटोग्राफ और वीडियो दिखाई हैं और लेकर चलता हूं क्या वो खास खबर है जिसके लिए मैं यहां पर पहुंचा हूं। जैसे 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 बाबा साहब के अनुयायी संविधान को पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बाबा साहब ने कहा था कि जो मैं लिख रहा हूं जब ये मेरे अनुयायियों तक पहुंचेगा, वो शिक्षित होंगे तो वो अपना इतिहास बनाएंगे। और आपके सामने मैं दिखा रहा हूं अम्बेडकर पेइंग गेस्ट हाउस पर ये इतिहास सारनाथ की भूमि पर बहुजनों ने बनाया है। जो आप मेरे सामने गाड़ी देख रहे हैं ये गाड़ी नहीं है कोई, ये कोई आम गाड़ी नहीं है, इसको धम्मरथ के नाम से
जाना जा रहा है। और आप देखिए, जैसा कि जो पिछली वीडियो आपने हमारी देखी है, सारनाथ में 27, 28, 29 तारीख को होने वाले बहुजन वैचारिकी महासम्मेलन की हमने आपको वीडियो दिखाई थी, तो उसी कार्यक्रम में इस धम्मरथ का भी पण है, जो उद्घाटन है वो होने वाला है। बहुजन बोधि संघर्ष संघर्ष समिति BBS3 सारनाथ वाराणसी वैचारिकी सेंटर इमारत बनाने का उद्देश्य है समाज के सभी क्षेत्रों में विकास करने की दशा मिले, ये स्वयं बाबा साहब ने कहा है। दिखाई जरा पोस्टर, ये वो पोस्टर है जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी 26, 27 और 28 तारीख को अंबेडकर वैचारिक महासम्मेलन जो होने वाला है सारनाथ बुद्धा ग्रीन सिटी रिंग रोड फरीदपुर पर। धम्मरथ को मैं दिखा देता हूँ, बौद्ध धम्म की यही पहचान, मानव मानव एक समान। ये मारुति की इको गाड़ी है जिसको धम्मरथ के रूप में आवाज का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बहुजन बोधि संघर्ष समिति BBS3 और आईडासा जो बहुजन युवाओं का संगठन है उनके माध्यम से इस धम्मरथ को बनाया गया है। और बाबा साहब की एक बहुत सुंदर सी एक कोटेशन भी इस पर लिखी है, मैं चाहता हूं कि अपने समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक के लिए स्वयं के मालिकाना हक वाला बहुउद्देश्यीय केंद्रीय हाल निर्मित हो। जी हाँ, ये बाबा साहब ने अपने वॉल्यूम्स में भी अपने बहुजन समाज को ये चेताया है कि हमारे पास हमारा अपना एक वैचारिकी सेंटर होना चाहिए जिसमें बहुजनों के लिए, बहुजनों के उद्धार के लिए, जिसके अंदर विचार विमर्श हो और उस पर सभी लोग चलें। तो उसी परिकल्पना को पूर्ण करता हुआ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बहुजन बोधि संघर्ष समिति BBS3 के माध्यम से इस धम्मरथ का निर्माण किया गया है। फिलहाल अभी ये पूरे सारनाथ में घूमकर धम्म का प्रचार प्रसार हमारे जो बहुजन युवा हैं वो इस धम्मरथ से कर रहे हैं। उसके बाद इसको 27 तारीख को जब इसका उद्घाटन होगा तो उसके बाद इसको पूरे देश में भेजा जाएगा। गाड़ी के कोचवान साहब हमारे साथ हैं, परिचय लेते हैं क्योंकि कई बार पहले भी हमने उनकी वीडियो आप लोगों को दिखाई है, लेकिन फिर भी आज हम आपके लिए परिचय लेते हैं। जी सर, गाड़ी के बारे में उद्देश्य बताइए। सबसे पहले आप सभी को सादर नमोदय जय भीम। और परिचय कड़ी में मेरा नाम पड़ेगा संदर्शन, जो कि मैं बनारस जिले के जिला महासचिव हूँ BBS3 बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति की। सर, जैसे कि आज हम लोग निकले हुए हैं समाज में और पूरे गांव में घर घर जाएंगे, लोगों को जो है कि इन्वाइट करेंगे, लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप लोग 27-28 नवंबर को कार्यक्रम में भारी से भारी जनसंख्या में आए और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। 27 तारीख के होने वाले बहुजन महासम्मेलन के लिए जो 2022 जो सम्मेलन है उसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखाएं चल रही हैं। 27 नवंबर को होने वाले अंबेडकरी वैचारिक महासम्मेलन 2022 के लिए ये तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में बिजेंद्र भारतीय जी भीमसेना से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हैं सारनाथ।